प्रयागराज में लगे माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी के लिए आज से ही श्रद्धालुओं का संगम की रेती पर आना शुरू हो गया है। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए माघ मेला पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु कल आस्था के डुबकी लगाएंगे। वही माघ मेला SSP DIG राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि बसंत पंचमी को लेकर तैयारी पुलिस के द्वारा पूरी की गई है। बसंत पंचमी के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए लाखों की संख्या में चूंकि श्रद्धालुओं का आगमन प्रस्तावित है, इसको दृष्टिगत सम्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। आने और जाने के मार्ग, पार्किंग की व्यवस्थाएं, स्नान घाटों का प्रबंधन, महिला पुलिस कर्मियों का चेंजिंग रूम्स के पास व्यवस्थापन, ATS के कमांडोज को क्रियाशील करना, STF की टीमों का व्यवस्थापन, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, डॉग स्क्वाड्स, ये सभी सक्रिय हैं। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रख रहा है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं।